वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर चार्ट कैसे बनाते हैं। हमारे पास कुछ डाटा है, डमी डाटा जो हमने डाला हुआ है। ये सेल डाटा एक कंपनी का, जिसके अंदर आपके मंथ वाइज सेल फिगर है और जोन वाइज सेल फिगर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कर्सर को उस टेबल पर लाना होगा ताकि आप ग्राफ ड्रॉ कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर ये आपका ग्राफ्स हैं। रिकमेंड ग्राफ के अंदर ये ऑटोमेटिक आपको रिकमेंड करेगा कि कौन सा ग्राफ इस डाटा के लिए सूटेबल है, नहीं तो आप यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइवट चार्ट आपको ऑलरेडी पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं रिकमेंड ग्राफ से। तो ये देखिए रिकमेंड ग्राफ, ये आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये ग्राफ रिकमेंडेड है इस डाटा के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दिस चार्ट के साथ में और ओके। तो ये देखिए आपका ये चार्ट बन के तैयार हो गया है, जिसके अंदर आपकी मंथ वाइज सेल फिगर आप देख सकते हैं कि अप्रैल में कितनी सेल थी, मई में कितनी है, जून में कितनी, जुलाई में कितनी, किस तरीके से ग्राफ का ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर मैं टोटल का कॉलम, जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं टोटल का कॉलम यहाँ से मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट डाटा में जाएंगे, यहाँ पे हमने टोटल का कॉलम यहाँ से और इधर से मैंने हटा दिया। ओके, तो ये आपका मंथवाइज चार्ट आ गया, जिसके अंदर ईस्ट का कलर, वेस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का कलर बिल्कुल अलग अलग है। आप चाहें तो इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज कलर में जाके आप कलर चाहें तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं ग्राफ्स के। ठीक है, और यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं ग्राफ का। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टर्नओवर जैसे। यहाँ पे हमने टर्नओवर लिख दी। और भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप यहाँ से क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइटल में टाइटल डाल सकते हैं, डाटा लेबल, डाटा टेबल नीचे दे सकते हैं, डाटा टेबल नीचे देना चाहते हैं डाटा टेबल पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे डाटा टेबल आ जाएगी। एरर बार और ट्रेंड लाइन्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और हम इसको ग्राफ का अगर आप बाद में स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं ग्राफ का। और आप चाहते हैं कि जो टर्नओवर है मेरी अभी आ रही है, मैं पहले इसको तो यहाँ से हटा देता हूँ, आपको डाटा टेबल यहाँ से हटा देता हूँ। टर्नओवर आपकी इधर आ रही है और मंथ आपके नीचे आ रहे हैं बिलो। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं रिवर्स में, यानी कि आपके मंथ इधर आ जाए और टर्न ओवर आपकी इधर आ जाए, तो आप यहाँ पे स्विच रो के थ्रू आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जो बेटर बेटर पोजीशन है वो पहले वाली थी कि यानी कि मंथ यहाँ पर और टर्न ओवर इधर। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको दूसरा डाटा भी ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कि ग्राफ कैसे बनता है। जैसे कि ईस्ट और वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, ये टोटल सेल है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँगा अगेन इंसर्ट के अंदर। अब मैं इसका पाई चार्ट डिज़ाइन करता हूँ कि टोटल सेल मेरी कितनी है। तो मैंने पाई चार्ट क्लिक किया तो मेरा इस सेल का पाई चार्ट मेरा ये आ गया आपका ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। इसके अंदर आप चाहते हैं कि वो भी आए, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब आपकी वैल्यू आ रही है कितने परसेंट है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे शो हो तो यहाँ पे आप प्लस में जाएंगे
और यहाँ पे डाटा डाटा लेबल दे देंगे। बेस्ट फिट भी देना चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिक चूज़ हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जहाँ भी चाहिए सेंटर में, इनसाइड एंड आउटसाइड एंड, बेस्ट फिट, डाटा कॉल आउट, यहाँ और मोर ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर आप चाहते हैं, आप अगर चाहते तो आप इसको अपने पावर पॉइंट में या एम एस वर्ड के अंदर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ से विन वर्ड ओपन किया, ब्लैंक, ओके, और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें और आ गई आपकी, डिज़ाइनर फॉर्मेट। तो आप चाहते हैं कि आपका ये डाटा कहाँ से आया है, पिको क्या है, तो आप पे सेलेक्ट डाटा चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक्सेल में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये आपस पे लिंक हो गए कि आप यहाँ से कुछ चेंज करेंगे तो आपका उधर भी हो जाएगा चेंज। तो ये काफ़ी इजी था आपके लिए, मैंने आपको बताया। यहाँ से आप कलर भी, डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं अपने चार्ट का। एडिट डाटा भी कर सकते हैं और रिफ़्रेश डाटा भी कर सकते हैं, जो भी आपने चेंज किया है तो उसका रिफ़्रेश भी हो जाएगा। चेंज चार्ट स्टाइल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कॉलमर चाहिए तो आप कॉलमर भी यहाँ पे आप ला सकते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। इसका कलर चेंज करना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका चेंज कलर। ये देखिए, जो भी आपको कलर बेस्ट फिट लगता है आपको, वो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका कॉलमनर चार्ट बन गया है। चार्ट टाइटल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, टर्नओवर या जो भी आपको लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका एक्सेल के अंदर चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।